नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एआरओ में आने की संभावना रहेगी। और इस वीडियो के साथ में जो क्वेश्चन है 50, उनके साथ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और साथ में आपको ये करना है कि जो इसकी स्पीड है उसे आप 1.5x कर लें जिससे कि वीडियो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और अगर इसमें इमेज क्वालिटी के लिए जो है आप इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर लें, यानी कि कम से कम 480p होने चाहिए तभी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने नोट्स की ही स्कैन करके उसमें लिया है और आपको दिखाई देगा। ठीक है, और शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन के में जो है आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिलेगा रात को 12 बजे। ठीक है, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, एक तरीके से गिफ्ट समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है साइंस, इसमें देखिए दोस्तों सारे मिक्स हैं। ठीक है, तो लगभग 50 क्वेश्चन हैं और मिक्स होंगे सारे, तो आप शुरू करते हैं हम लोग। तो ताजमहल का जो रंग है आपने देखा होगा वो चेंज हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि दोस्तों एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन की वजह से जो है ताजमहल के कलर में चेंजेस आए हैं। और इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, H2SO4 और HNO3, ये दोनों के बारे में पूछा जाता है कि एसिड रेन में कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो H2SO4 और HNO3। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेड विंड, और इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, मगर हाँ इसके लिए आपको ये तभी स्क्रीन पर ठीक तरीके से दिखाई देगा जब आप इसकी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो वो आप बढ़ा लें। और हाँ, एक चीज़ और, ये कई आप लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा उसके अंदर पता चला ये वाले ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, स्पीड बढ़ाने वाले और इमेज वाले, तो आपको करना ये है कि अपना YouTube का जो भी वर्जन हो उसे अपडेट कर लीजिए, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेड विंड। ट्रेड विंड जिसे कहते हैं, यानी कि जो हमारी व्यापारिक पवनें होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, कहाँ से कहाँ तक उनका जो फ्लो रहता है, तो दोस्तों ये रहता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारी इक्वेटर लाइन है पृथ्वी के बीचों बीच में, तो उसमें 30 डिग्री ऊपर चले जाएँ और 30 डिग्री साउथ में चले जाएँ, तो ये जो है ये ट्रेड विंड कहलाती है। तो ये आपको जो कोऑर्डिनेट हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को याद भी होंगे। बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। RBC का कब्रिस्तान, जो हमारे बॉडी के अंदर RBC होती है, रेड ब्लड सेल, उसका जो है कब्रिस्तान यानी कि कहाँ वो समाप्त होती है, वो दोस्तों होती है प्लीहा के अंदर, या फिर इंग्लिश में कहें तो स्प्लीन। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। RBC की लाइफ जो होती है वो दोस्तों लगभग 120 दिन की होती है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 से 2 ज़रूर मिलने वाले हैं, और ख़ासकर अगर बीमारी वगैरह या फिर कोई मतलब टीकाकरण वगैरह वैक्सीनेशन है उसकी आविष्कारक पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों रानीगंज। रानीगंज जो एक जगह है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज लवण में पूछा जा सकता है, जैसे कि कोयला है कहाँ पाया जाता है, रानीगंज, किस लिए फेमस है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों का पुनर्गठन। आपको पता होगा जो हमें आज़ादी मिली 1947 के अंदर, उसके बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और ख़ासकर अगर पूछा जाए तो लैंग्वेज के आधार पर कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 1956 के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। और पहला जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ पर है, वो J&K में है। ठीक है, और थोड़ा सा आप नदियों वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ें कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, और किस नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, और उस परियोजना से कौन कौन से राज्य जो हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से उसका सेपरेशन है, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो हैवी हो जाए जुडिशरी के ऊपर, तो ये आर्टिकल नंबर 50 है। देखिए आर्टिकल के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और सारे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए वो आपको अलग से बताए जाएंगे, तो आप भी जो है अपने आप से भी कुछ आप पढ़ के रखें ताकि रिवीजन हो जाए। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए, पिछली बार ऐसा हुआ है 2016 में, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, और आपको पता होगा देखिए क्योंकि ये भर्ती भी जो है ना 2 एक साथ निकाल दी गई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप सी वाली जो क्लर्क लेवल पे है और ये वाली जो ARO की वैकेंसी है, इसलिए इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जल्दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट को, जिससे कि वो एग्ज़ाम जल्दी कराना चाह रहा है। ठीक है, वरना फिर एक भर्ती प्रक्रिया पूरी होती उसके बाद ही दूसरी चालू होती, तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा कमर टाइट करके रखें जिससे कि अगर एग्ज़ाम जल्दी हो भी जाए तो आप तैयार रहें उसके लिए। और आपको GS के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं कम समय के अंदर, उसके लिए एक वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कथकली।
कथकली जो है वो नृत्य कहाँ का है? दोस्तों ये कथकली जो है केरला का है। इसी तरीके से आपको मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी ये सारे याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक लिखा है कथकली, ठीक है। ये सारे ही आपको जितने भी हमारे क्लासिकल डांस हैं, फोक डांस हैं, वो सब आप अच्छे से पढ़ लें। ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि इससे रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लाइट ईयर। लाइट ईयर जिसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, वो किसका मात्रक होता है या किसकी यूनिट है? दोस्तों वो होती है डिस्टेंस की। और आपको पता है ये डिस्टेंस है जो स्टार्स के बीच में नापी जाती है, ये उस डिस्टेंस को करता है। यानी कि एक लाइट जो है एक वर्ष के अंदर लाइट कितना ट्रेवल करती है ये बताता है हमें लाइट ईयर, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है और लोग जो है इसे प्रकाश की लगा देते हैं, जो कि साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट है ब्लड का स्कंदन, यानी कि जो ब्लड जमता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे कभी चोट लगती है तो थोड़ी देर में ही ब्लड का क्लाउड बन जाता है और रुक जाता है। वो किस कारण से होता है? क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों हमारे शरीर के अंदर, वो इसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं और ब्लड का स्कंदन रुक जाता है, जिससे कि ज़्यादा खून नहीं बहता है। मगर दोस्तों एक बीमारी भी होती है, उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी ऐसी होती है कि अगर कट लग जाए तो फिर ब्लड नहीं रुकता है, और ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिससे कि माता पिता से जो है अपने बच्चों में भी जाती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया के बारे में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं कि ब्लड नहीं रुकता है और जो नॉर्मली ब्लड का स्कंदन होता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मार्स और जुपिटर। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखें आप, जो हमारा सोलर सिस्टम है उस पर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जैसे ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का किस ऑर्डर में है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और साथ में अब ये जो क्वेश्चन है वो है मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है। देखिए मार्स जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे नासा के द्वारा जो मिशन लॉन्च किए जाते हैं वो मार्स के लिए किए जाते हैं, है ना। और जो जुपिटर, मार्स के बाद जो अगला ग्रह आता है वो जुपिटर आता है। तो इसके बीच में जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यानी कि जो एक क्षुद्र ग्रह होते हैं उनके एक बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिलाकर छोटे छोटे से जो है वो एक पूरी बेल्ट जो है इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि जुपिटर का बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा ग्रह है, और मार्स के बीच में जो है ये पूरा घूमता रहता है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर है तो पता होना चाहिए, मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। और कैसा लग रहा है आप को ये वीडियो, आप लाइक दबाकर मुझे बता सकते हैं। जितने आपके लाइक आएंगे उतना ही जल्दी आपका जो है नया वीडियो मैं बनाकर आपको दूंगा। उसके अलावा दोस्तों ये चीज़ पूछी जा सकती है हार्ड प्लेनेट जिस पे धरातल है। देखिए सब अगर हम सूर्य को इधर इस राइट हैंड पे करते हैं तो उसके बाद जो है सबसे पहला ग्रह जो पड़ता है वो बुध है, जो मरकरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों शुक्र यानी कि वीनस, उसके बाद पृथ्वी और फिर मंगल। ये सारे जितने भी ग्रह हैं इन पर ठोस जगह है, यानी कि आप इस पे चाहें तो खड़े हो सकते हैं, परंतु मंगल के आगे जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, तो इन सब ग्रहों पर जो है मतलब ये गैसियस प्लैनेट है, ठीक है। तो इस पे कोई धरातल नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो हार्ड हैं वो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर दोस्तों शुक्र है। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक बादल है, जिससे कि जो भी सूर्य की रोशनी आती है, जो भी टेम्परेचर आता है, वो इसे कैद कर लेता है। मगर सबसे पास पूछा जाए तो बुध है, ठीक है। तो इसे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये क्वेश्चन KBC में भी पूछा जा चुका है, और दोस्तों एक 25 लाख का क्वेश्चन था, ठीक है। और शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। देखिए इसे सुबह का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, तो शुक्र ग्रह पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो ग्रह हैं, ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, मगर हमारे सोलर सिस्टम के दो ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, इसकी ट्रिक भी है। देखिए वीनस और यूरेनस दोनों के लास्ट में जो है नस लगा हुआ है, तो ये दोनों ग्रह आप याद रखें, वीनस और यूरेनस, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त साम्राज्य के जो गुप्त वंश था उसके राजा थे जी। और इसके अलावा इसकी स्थापना किसने की गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की जो श्री गुप्त नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जो है गुप्त वंश की स्थापना की। और इसके अलावा जो इसमें दूसरे सबसे अच्छे मतलब पराक्रमी राजा रहे हैं जिनका नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जी के समय में जो है फयान जो है यहाँ पर यात्रा करने आए थे, चीनी यात्री, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ह्वेनसांग भी आए थे जो कि हर्षवर्धन के समय पर भारत की यात्रा करने के लिए आए थे। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश। आपको पता होगा कि जब सेशन में नहीं होती है, वैसे तो सारे नियम जो बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि मान लीजिए सेशन में नहीं है मगर नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि कैबिनेट जो है वो अपना एक
नियम बना के देती है, एक बिल बना के देती है और उस पर राष्ट्रपति जी से साइन करा लिए जाते हैं, तो ऐसे में बन जाता है अध्यादेश जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। इसकी वैलिडिटी जो है दोस्तों वो 6 माह के लिए होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है 6 माह के लिए वैलिडिटी है, क्योंकि 6 माह के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि असेंबली को यानी कि पार्लियामेंट को मिलना ही पड़ेगा, तो अगर वो बिल पास हो जाता है तो वो आगे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ जो अध्यादेश है वो निल एंड वॉइड हो जाएगा। मगर उस पीरियड के लिए जो 6 महीने का पीरियड है उसमें जो है वो पूरा एक तरीके से कानून की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु कितनी है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जरूर रहेगा क्योंकि इसके अंदर जीके के ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, तो आप जो है इसे थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे और थोड़ा सा ब्रेक ले लेके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु कितनी पुरानी है और इसे कैसे नापा जाता है, कैसे मापा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो विधि है वो है यूरेनियम डेंटिंग विधि, तो इसका आप ध्यान रखिए। देखिए ऑप्शन में कार्बन भी आएगा और यूरेनियम भी आएगा, तो आपको यूरेनियम ध्यान रखना है। और कार्बन सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि जीवाश्म है, यानी कि जिसके अंदर कभी जान थी, चाहे वो हमारी हड्डियां हो सकती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो किसी की आयु निकालनी है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, तो इसके लिए 2 विधि अपनाई जाती है। जो निर्जीव वस्तु हैं उसके लिए यूरेनियम, और जो कि जिसमें सजीव, जिसमें जान रही थी उसके लिए जो है कार्बन डेटिंग, जिसमें कि C40 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब जो क्वेश्चन आया है वो है अशोक, जो हमारे महान अशोक द ग्रेट थे, उनके बोध शिक्षा। देखिए आपको पता होगा वो लास्ट में जो है जब उन्होंने कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद इतना नरसंहार देखा, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जो है धर्म के पथ पर चलना है, और जो है उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया, है ना। तो ज्वाइन कर लिया का मतलब ये है कि उन्होंने दीक्षा ली उसकी, तो वो दीक्षा जो है किस बौद्ध गुरु के द्वारा दिलाई गई थी, वो थे उपगुप्त। उपगुप्त का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है अशोक पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं अशोक द ग्रेट पर, उन पे क्वेश्चन ये भी हैं, आपको पता होगा उनके जो शिलालेख थे वो 14 शिलालेख जो है वो पाए गए थे, ठीक है। तो उन्हें किसने मतलब ट्रांसलेट किया था, किसने उनका मतलब बताया था, वो थे जॉन प्रिंसेप नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो वो किस मतलब पर्टिकुलर आपको याद करना है कि 1 नंबर शिलालेख में क्या था, 2 में क्या था, 4 में क्या था, 5 में क्या था, इस तरीके से आपको 14 के 14 याद कर लेने हैं, जिससे कि अगर कोई भी शिलालेख के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएँ, ठीक है। क्योंकि देखिए समय कम है और काम ज़्यादा, इसलिए जो है ना ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और अभी कोशिश ये करें जैसे आपने वीडियो देख लिया उसके बाद इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन लगते हैं वो अपनी किताब में खोजिए और याद कर डालिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण चारागाह हैं, आपको पता होगा ये एक तरीके के चारागाह होते हैं, एक घास के मैदान, है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है, तो स्टेपीज नाम के हैं। स्टेपीज आपको याद रखना है कि एशिया और यूरोप के जो शीतोष्ण चारागाह हैं उन्हें स्टेपीज कहा जाता है। और आपको पता होगा जो रशिया है, रशिया का कुछ पार्ट जो है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये है अप्सोर, जैसे कि देखिए स्टेपीज है ना, इसी तरीके से पंपाज है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो इस तरीके जो चारागाह है ना, 4-5 हैं, उन सबको याद कर डालिए आप। उसके अलावा है दोस्तों अप्सोर। अप्सोर किसे कहते हैं, अप्सोर कहते हैं सूर्य और पृथ्वी की, देखिए क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है और एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर होती है। तो ऐसी अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, अप्सोर वो अवस्था है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। इसके अलावा उपसोर होता है, उपसोर वो होता है जब वो दूरी कम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अप्सोर और उपसोर में अंतर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों जी का मान, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका मान जो है दोस्तों ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारे ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, उन ध्रुव पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो सबसे ज़्यादा होगा। और जो विषुवत रेखा है जहाँ से भूमध्य रेखा हमारी गुजर रही है उस पे जी का मान जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है CPU, जो हमारा कंप्यूटर है उसकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें, जैसे आपने नाम सुना होगा i3, i4, i7, इन सब की जो स्पीड है वो काय में नापी जाती है, वो हर्ट्स में नापी जाती है। वैसे तो गीगा हर्ट्स होने लगा है मगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो हर्ट्स है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गन्ना। देखिए प्लांटेशन कॉर्प किसे कहा जाता है, प्लांटेशन कॉर्प जो है वो गन्ना को कहा जाता है। और आपको पता होगा कि गन्ना जब बोया जाता है तो वो ऐसी मतलब खेती है कि आपको बार बार नहीं बोना है, एक बार बो दिया फिर कटाई हो जाती है, फिर उसके बाद खुद निकल आता है, फिर काट देते हैं, फिर दोबारा निकल आता है, इस तरीके का है, मतलब 2-3 साइकिल उसकी चलती हैं। नेक्स्ट है बीमारी। देखिए दांत की बीमारी जो है, जैसे दांत खाज हो जाती है, ये किस तरीके की बीमारी है, जैसे गंजापन है वो भी एक तरीके की हो जाती है। तो ये दोस्तों एक तरीके फंगल इन्फेक्शन होता है,
तो इसका देखिए वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से होने वाली बीमारियों के जो है ना वो आप नाम याद कर लें, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी जो है वायरस की से होती है, जैसे पोलियो है वो वायरस की कमी से होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको बीमारी वाला जो है अच्छे से याद कर लीजिए। एक नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए किसी को गोली लगती है, तो अगर गोली ना निकाली जाए तो वो व्यक्ति जल्दी मर जाएगा, तो क्या होता है, होता क्या है ऐसा जिससे कि वो मर जाएगा? दोस्तों उसमें आर्सेनिक होता है, जो गोली है उसके अंदर आर्सेनिक है, और वो जैसे जैसे शरीर के अंदर फैलने लगता है उससे जो है मतलब विष फैलता है और एक तरीके से मौत हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 25वां क्वेश्चन, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अभी 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, हिमालय, हिमालय पर्वत जो है वो किस तरीके का पर्वत है? दोस्तों ये है फोल्डेड माउंटेन, मतलब एक वलित पर्वत है, ये एक तरीके नया पर्वत है, सबसे नया पूछा जाए तो भारत के अंदर जो है वो हिमालय नया पर्वत है, और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो पुराना ये जो अरावली की श्रेणी है आप देखते होंगे जो कि राजस्थान से चलकर दिल्ली तक आती हैं, तो ये जो है ये काफ़ी पुरानी श्रेणी है और काफ़ी पथरीली है। जो हिमालय फोल्डेड है वो इसलिए है, देखिए जब भारत जो है वो दक्षिण अफ्रीका से मतलब टूटता हुआ जब इधर की तरफ आ रहा था, और जैसे ही टकराव हुआ एशिया की तरफ से, फिर जो ये एक तरीके से टकराव से जो उठा हुआ है उसी से जो है ये हिमालय का सृजन हुआ। और ये भी पूछा जाता है जब हिमालय नहीं था तो उस जगह पर क्या था, उस समय पर एक सागर था और उस सागर का नाम था टैथिस सागर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अभी मैंने बात की अरावली श्रेणी की, तो अरावली श्रेणी पे भी पूछा जाता है गुरु शिखर जो है वो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, और साथ में जो है जो हमारा आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं और ये पूरा पार्लियामेंट वगैरह देखते हैं, ये पूरा जो है ये रायसीना हिल के ऊपर है राष्ट्रपति भवन, उस जो वो इसी का ही पार्ट है अरावली श्रेणी का, रायसीना हिल, नाम याद रखिएगा। और जो वास्तुकार था जिसने कि ये पूरा बसाया उसका नाम था लुटियंस, लुटियन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से ही हमने आपको चार क्वेश्चन बताए 26 से। नेक्स्ट है एक समुद्री मील, देखिए एक दूरी को हम नापते हैं किलोमीटर में, मगर माइल्स अगर कहा जाए तो लगभग नॉर्मल कहा जाता है एक में 1600 के लगभग होते हैं 1600 मीटर, मगर एक समुद्री मील कहा जाए तो समुद्री मील में होते हैं दोस्तों 1825 मीटर, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का जो इस्तीफा है वो किसे दिया जाता है? वो देता है अपने उपाध्यक्ष को लोकसभा का। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन किसे शपथ दिलाता है, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, वो एक तरीके से अपने पद पर बैठता है। तो अगर पूछा जाए लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे शपथ कौन दिलाता है, तो ये मत कहते ना उपाध्यक्ष, है ना, उपाध्यक्ष भी आंसर हो सकता है, तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति को जो है वो शपथ दिलाते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए आपने देखा होगा जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, एक अगर ग्लोब को देखें और उसमें रेखाएं होती हैं वर्टिकल, तो अगर 15 डिग्री चल रहे हैं तो समय में कितना अंतर आएगा? तो समय में दोस्तों अंतर आएगा 1 घंटे का। जैसे कि आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जो हमारा सबसे पश्चिमी हिस्सा है जो गुजरात है, और साथ में जो पूर्व की तरफ जाएंगे जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, तो अरुणाचल प्रदेश, तो इन दोनों के समय में भी जो है लगभग 2 घंटे का अंतर है, तो लगभग 30 डिग्री का इसमें आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी की अक्ष, हाँ देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, तो उसका एक पाथ है, किस तरीके से घूम रही है, वो दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है ना, जिसे शायद हाइपरबोला कहेंगे इंग्लिश में, अगर मिस्टेक हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मुगल पीरियड पे, मुगल पीरियड पे 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, तो हो सके तो मुगल पीरियड को अच्छे से करना, और खासकर जो उसमें जो किताबें वगैरह हैं किसने कौन सी लिखी है ये सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो एकमात्र अकबर ही एक ऐसा मुगल बादशाह रहा है जो कि अनपढ़ था, जो कि मतलब इलिटरेट कहेंगे। अगर आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो उसके अंदर भी ये सीन दिखाया गया है, और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप मूवीज़ तो ज़रूर देखें, जैसे कि वो मैंने 8-9 मूवी आपको बताई थी, अगर आप ठीक से देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया के आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मुगल बादशाह अकबर जो था वो निरक्षर था, इलिटरेट था। नेक्स्ट है, हाँ देखिए अब्राहम लिंकन जी ने एक बात कही थी, वो ये बात ये थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो कि जनता की होती है, जनता के लिए होती है, जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है। तो लोकतंत्र की एक तरीके से परिभाषा दी थी, तो ये पूछा जा सकता है ये वर्डिंग किसकी है, तो वो अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट दोस्तों आप देखते होंगे आज की तारीख में जो इंटरनेट की स्पीड हो गई है वो धुआंधार हो गई है, मतलब इतनी तेज़ चलता है,
थ्री जी आया, पहले सबसे पहले 2G था, फिर 3G, 4G, अब 5G। तो ये जो स्पीड आ रही है, ये आपको पता होगा एक OFC केबल होती है जिसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो OFC केबल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो स्पीड है ना दोस्तों, वो प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति आप जानते हैं लगभग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो उसके अंदर होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूछा जा सकता है कि इसमें OFC में क्या होता है, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा राइटिंग अगर समझ में ना पाए तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बोल भी रहा हूँ। ठीक ठीक फिर है दोस्तों एक नदी जिसका नाम है टिग्रिस। टिग्रिस नदी कहाँ की है, वो दोस्तों एक इराक की है। तो आपको जो मतलब बड़े बड़े कंट्री हैं, मतलब उनकी जो फेमस नदियाँ हैं वो आपको याद कर लेनी है, जैसे कि सीन नदी कहाँ की है, वो पेरिस की है। ठीक है, तो इस तरीके की जो है आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आपने देखा होगा अक्सर जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, तो वो किस कारण से नीला दिखाई देता है, जबकि वो नीला तो है ही नहीं। तो ये जो है प्रकीर्ण, प्रकाश का जो प्रकीर्ण है उसकी वजह से जो है हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर पूछा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में हैं और अगर आप आसमान देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो बिल्कुल काला दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ पृथ्वी पर हैं हम, इसलिए ऊपर देखते हैं, तो ये प्रकाश जो है हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है दोस्तों लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इस किससे कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि रात को भी जहाँ सूरज निकल रहा है। तो दोस्तों ये शहर है नॉर्वे, आपको पता होगा ये नॉर्थ पोल की तरफ जो है पड़ता है नॉर्वे। और यूनिनॉर जो कंपनी, जो कि मतलब शुरुआत में सबसे सस्ती कॉल जिसने करवाई थी यूनिनॉर कंपनी, वो भी यहीं की थी, नॉर्वे की। ठीक है, तो नॉर्वे में होता क्या है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो मतलब इस तरीके से शेड्यूल करते होंगे वहाँ पर वो थोड़ा सा। हम लोग तो जाएँ यहाँ से तो थोड़ा एडजस्ट करने भी मुश्किल होगा, क्योंकि धूप निकल रही होगी और आपसे कहा जाएगा सो जाइए। ठीक है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को। नेक्स्ट है दोस्तों लेंस। लेंस जैसे कि चश्मे के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है जो दूरी के लिए, जिसे दिखाई नहीं देता है दूर का या पास का, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक कांच का इस्तेमाल किया जाता है और उस कांच का नाम है फ्लिंट कांच। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर का उपचार। कैंसर का उपचार किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये रेडोन होता है, आपको पता होगा रेडियोधर्मी पदार्थ है, तो रेडोन का जो है कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं आपको पता होगा साउथ में जो है एरिया, आप देखें केरला और तमिलनाडु के तरफ का, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उस पर्टिकुलर उस रेंज का नाम नीलगिरी है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेड़ पाए जाते हैं वो किसके हैं, वो हैं दोस्तों यूकेलिप्टस के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चेचक का टीका। चेचक का जो टीका है वो, उसकी खोज किसने की थी, जो वैक्सीनेशन है चेचक का, वो की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने, है ना। एडवर्ड जेनर साहब ने जो है वो चेचक के टीके का वैक्सीनेशन बनाया था। इसी तरीके के बाकी जो भी वैक्सीनेशन है ना वो अच्छे से याद कर लें। जैसे नीलगिरी पहाड़ी की बात आई, इसी तरीके से जितनी भी भारत के अंदर पहाड़ियां हैं उन सबका सबसे टॉप मोस्ट यानी कि सबसे उच्च शिखर कौन सा है वो भी आप याद करें। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि जो है आपको ये क्वेश्चन तो कम से कम छोड़ने ही नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद। देखिए आपको पता होगा, एक तो जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे उस समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, तो ऐसा कौन सा भारतीय था जो कि उस ब्रिटिश संसद के अंदर चुना गया था, तो ब्रिटिश संसद के अंदर चुने गए थे दादा भाई नरोजी साहब। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए, दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट है पश्चिम घाट। आपको पता होगा हमारे दो घाट हैं अगर हम साउथ की तरफ जाएं, एक पश्चिमी घाट एक पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, इससे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है वो पश्चिमी घाट पर है। और दोस्तों कोरोमंडल, कोरोमंडल किसे कहा जाता है, जो पूर्वी घाट है उसे कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर है, एक तो पहली चीज़ ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये है क्या, ये एक प्रवाल रचना है, मूंगा जिसे कहते होंगे आप मूंगा, और वो उसी से बनी हुई है ये पूरी ग्रेट बैरियर रीफ। आप अगर जाएंगे अंडमान निकोबार घूमने के लिए तो आपको अगर अंडर वाटर राफ्टिंग करेंगे वहाँ पर तो ये आपको देखने को मिलती है प्रवाल, पूरा अंदर जो है कोरल जिसे कहते हैं कोरल रीफ, वो आपको मिल सकती है वहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है ना हमारा वो पूरा कोरल रीफ से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। देखिए गवर्नर जनरल के ऊपर जो है ना, मैं पूरी आपके लिए एक दो दिन के अंदर ही कि किस गवर्नर जनरल ने क्या किया और क्या इंपॉर्टेंट काम किए उसका मैं पूरी सीरीज़ आपको दे दूंगा, जल्दी ही मिलेगी। तो यहाँ पर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के ऊपर क्या हुआ था, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके अंदर उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग साहब के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था। पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो गोवा में था। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पुर्तगाली ही थे जो कि सबसे पहले आए थे भारत के अंदर 1498 में 20 मई, जिसमें वास्को डी गामा जो आया था केरला में कालीकट में।
तो जिसका स्वागत झामोरिन ने किया था। तो थोड़ा मैंने आपको लिंक कर दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में ही पुर्तगाली आए। गोवा बाद 47 में आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों, उसे पाने में काफ़ी टाइम लग गया था, वो 62 में हुआ था। तो सबसे बाद में जो गए वो गए हमारे यही पुर्तगाली, और सबसे पहले जो आए थे वो भी जो है पुर्तगाली ही आए थे। नेक्स्ट है कपास की खेती। कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो है दक्कन का पठार, जो साउथ का है आप जानते होंगे। और जो कपास की खेती की जाती है वो काली मिट्टी के अंदर की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा है मगर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है ये। नेक्स्ट है देखें ज़्यादा कितना हो गया, 25 मिनट का हो गया है, 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आपको पता होगा हमारी जो शरीर के अंदर जो जिससे कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ये एक तरह का डीएनए ही होता है जो कि माता पिता से अपने बच्चों को मिलता है, फिर उससे उसके बच्चों में मिलता है। तो डीएनए की जो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है घुमावदार, वो उसकी खोज किसने की थी दोस्तों? ये जो खोज की थी वो थी वॉटसन एंड क्रिक। इसी तरीके से आप ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ें, विटामिन, जैसे विटामिन की खोज फंक ने की थी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। तो इस तरीके आप सारे विटामिन के बारे में ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि यही एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मतलब आप मेरी सैलरी समझ लीजिए। आपका फीडबैक जो है जैसी मिल जाता है वैसे मेरे को जो है मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा जो है वो बाबर ने खुद ही लिखी थी। अब देखिए बाबर पे हम जब पहुँचे हैं तो बता देता हूँ मैं आपको कि 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिससे कि जो है बाबर मुगल शासन की जो है नींव रखी गई। बाबर ने जो अपनी किताब लिखी थी बाबरनामा, वो उसकी भाषा पूछी जा सकती है वो थी तुर्की में। इसी तरीके से एक किताब है जिसका नाम है हुमायूंनामा। तो अगर कोई पूछा जाए हुमायूंनामा किसने लिखी, तो हुमायूं मत लगा देना, क्योंकि उसका आंसर है गुलबदन बेगम जो कि उसकी सिस्टर थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की राजभाषा जो है वो कब अपनाई गई। जैसे अगर कोई पूछे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं, हमारी जो देश की है वो राजभाषा है। वो राजभाषा कौन सी है, वो हिंदी है राजभाषा। और वो कब अडॉप्ट की गई थी, वो कही गई थी 14 सितंबर 1949। इसलिए आप देखते होंगे कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें पता होगा कि ऐसे में जो है हिंदी सप्ताह हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, और इसमें जो है आप लोगों को कंपटीशन होते हैं, हिंदी टाइपिंग हो गई, हिंदी ऐसे राइटिंग हो गई, इस तरीके के जो है जिसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है लोगों को, जिससे कि मतलब लोग मोटिवेट हों हिंदी में काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है और इंग्लिश थोड़ी आसान होती है। नेक्स्ट है 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? 1857 में जो गवर्नर जनरल थे, 1857 क्यों, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, है ना, जो मंगल पांडे साहब ने जिसकी शुरुआत की थी। तो उस समय गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं, तो गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे दोस्तों कैनिंग। और कैनिंग ही अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो कैनिंग ही होंगे। और कैनिंग के बाद जो है ना 1857 के बाद ये जो पोस्ट थी वो बन गई वायसराय की। तो प्रथम वायसराय भी जो है वो कैनिंग साहब ही हुए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो यहाँ पर मैं आप समाप्त करता हूँ। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 50 से आपको पता होगा मैंने लगभग 50 और बताए होंगे, तो ये 100 क्वेश्चन की जो है ये पूरी लगभग सीरीज़ हो गई है। इससे आगे पीछे आप जो है और भी याद कीजिए, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने कहा था, ये मेरा छोटा सा प्रयास रहता है कि आप लोगों की तैयारी में मैं भी थोड़ी सी मदद करूँ। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और टाइपिंग भी। जय हिंद, जय भारत।